भोजपुरी सिनेमा की क्वीन और टीवी की मशहूर एक्ट्रेस मोनालिसा अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। मोनालिसा की तस्वीरें हो या वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो जाते हैं। इस वक्त भी उनकी कुछ बोल्ड तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इन तस्वीरों को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। एक तस्वीर में मोनालिसा पूल के किनारे और बीच पर अपना सिजलिंग अंदाज दिखाती नजर आई, तो अगली तस्वीरों में वह बीच के किनारे बोल्ड पोज से फैंस का दिल चुरा रही हैं। मोनालिसा की सारी तस्वीरें फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। मोनालिसा अपने पति विक्रांत सिंह के साथ स्मार्ट जोड़ी में नजर आई थी, लेकिन वह चंद दिनों पहले ही शो से बाहर हो गयी। इससे पहले दोनों को साथ में 2017 में बिग बॉस के घर में देखा गया था, जहां इन्होंने सात फेरे लिए थे। बॉलीवुड अभिनेता फिल्म निर्माता फरहान अख्तर डिज्नी प्लस की आगामी सीरीज मिस मार्वल में नजर आएंगे। फरहान अख्तर के मिस मार्वल से जुड़ने की खबर फैंस को खूब एक्साइटिंग कर रही है। मिस मार्वल 8 जून को प्रीमियर के लिए तैयार है। फिलहाल फरहान अख्तर के रोल को लेकर मेकर्स ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फरहान अख्तर गेस्ट स्टारिंग रोल में नजर आ सकते हैं। अगर ये खबरें सही निकली तो फरहान अख्तर का ये हॉलीवुड डेब्यू होगा। फरहान अख्तर इन दिनों प्रियंका चोपड़ा जोनस, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ अभिनीत जिले जरा के निर्देशन में व्यस्त है। नेटफ्लिक्स के साथ उनकी और रितेश सिद्वानी की मुंबई स्थित एक्सेल एंटरटेनमेंट के माध्यम से उनकी एक साझेदारी भी है। लॉकअप जैसे ही अपने अंतिम दिन पर पहुंच गया है, अभिनेत्री होस्ट कंगना रनौत ने रियलिटी शो और इसके प्रतियोगियों के बारे में एक विदाई संदेश साझा किया है। कंगना ने कहा कि लॉकअप जैसे अनोखे शो से बतौर होस्ट डेब्यू करने में सक्षम होना अपने आप में एक सफलता है। कंगना ने कहा, अपने आप में इस तरह एक अनोखे रियलिटी शो के साथ मेजबानी में शुरुआत करना इतनी बड़ी सफलता रही है। उन्होंने आगे कहा, यह वास्तव में मेरे लिए एक बहुत ही खास एहसास है और मैं इस शो को हमेशा देश और दुनिया भर से मिली प्रतिक्रिया से अभिभूत हूँ। यह बहुत अच्छी बात है कि शो ने अपने लॉन्च के बाद से पूरे इंटरनेट पर राज किया है और अब यह समाप्त हो रहा है। मैं टॉप 6 प्रतियोगियों को अपनी शुभकामनाएं भेजना चाहती हूं और सबसे बेस्ट बैड एस कैदी लॉकअप ट्रॉफी को घर ले जाएगा। ऑल्ट बालाजी और एमएक्स प्लेयर शो 2 महीने से अधिक समय तक चला और 24 घंटे कैमरा विजिलेंस के तहत जेल में बंद प्रतियोगियों का एक उदार मिश्रण देखा गया। शो में जेल के साथियों और होस्ट कंगना रनौत द्वारा किए गए कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। फिल्मों की बात करें तो कंगना इन दिनों अपनी एक्शन फिल्म धाकड़ की रिलीज का इंतजार कर रही हैं। सोशल मीडिया सेंसेशन फैसल शेख उर्फ मिस्टर फैजू रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 12 में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आएंगे। शो के बारे में बात करते हुए फैसल ने कहा, सोशल मीडिया सुपरस्टार होने से लेकर अब खतरों के खिलाड़ी में हिस्सा लेना, यह एहसास अपने आप में उत्साहजनक है। शो के होस्ट रोहित शेट्टी के बारे में उन्होंने कहा, रोहित शेट्टी के सामने प्रदर्शन करना सपने के पूरे होने के बराबर है। मैं शो में रोमांच एक्शन के लिए तैयार हूँ। मैं इस सीजन का इंतजार बेसब्री से कर रहा हूँ। कंटेस्टेंट शो के लिए केप टाउन जाएंगे। मिस्टर फैजू के अलावा इस सीजन में कंटेस्टेंट के तौर पर मोहित मलिक, प्रतीक सहजपाल, चेतना पांडे, राजीव अदातिया और रूबीना दलैक जैसे कई सितारों के नाम सामने आए हैं। खतरों के खिलाड़ी कलर्स पर प्रसारित होगा। कैटरीना कैफ और विकी कौशल 2021 में अपनी शादी के बाद एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। इस समय दोनों की एक रोमांटिक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे कैटरीना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। तस्वीर में दोनों पूल के बीच में पोज दे रहे हैं।
कैटरीना को व्हाइट स्विम सूट में देखा जा सकता है, जबकि विकी अपनी फिट बॉडी को फ्लॉन्ट कर रहे हैं। पोस्ट को शेयर करते हुए कैटरीना ने लिखा, मैं और मेरा यह तस्वीर फैंस को काफी पसंद आ रही है। कैटरीना और विकी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। इससे पहले कैटरीना ने हाल ही में अपने वेकेशन से विकी के साथ अपनी तस्वीर शेयर की थी। एक तस्वीर में विकी और कैटरीना को समुद्र के बीच में रोमांटिक पोज को एक साथ साझा करते हुए देखा जा सकता है। विकी और कैटरीना ने दिसंबर में सिक्स सेंस फोर्ट बड़वारा होटल में शादी की थी। इस बहुप्रशिक्षित शादी में कई सुरक्षा के बीच 120 मेहमानों ने शिरकत की। विकी और कैटरीना दोनों के पास कई बड़े बजट की फिल्में हैं। कैटरीना अगली बार टाइगर 3 मैरी क्रिसमस में नजर आएंगी। विकी अगली बार सैम बहादुर, द इमॉर्टल अश्वत्थामा, गोविंदा मेरा नाम, मिस्टर लेले में नजर आएंगे। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार अभिनेत्री नुसरत भरूचा इन दिनों अपनी फिल्म जनहित में जारी लेकर सुर्खियों में हैं। वह इस फिल्म का जोर शोर से प्रमोशन कर रही हैं। नुसरत इस फिल्म में कॉन्डोम बेचने वाली लड़की की भूमिका में नजर आएंगी। सोशल मीडिया के जरिए वह फिल्म जनहित में जारी का प्रमोशन कर रही है, जहाँ उन्हें ट्रोलर्स का सामना करना पड़ा है। लेकिन ट्रोल करने वालों को नुसरत भरूचा ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हाल ही में नुसरत के वीडियो को देखने के बाद बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स ने नुसरत भरूचा के लिए भद्दे कमेंट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें ट्रॉल किया था। ट्रॉल करने वालों के मैसेज पब्लिक करके नुसरत ने करारा जवाब दिया है। नुसरत भरूचा स्टारर जनहित में जारी का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया। लॉन्च इवेंट के दौरान जब नुसरत से ट्रॉलर्स के मैसेज पब्लिक करने के उनके फैसले को लेकर बात की गई तो उनका कहना था, मुझे ना आज तक जितने लोगों ने पूछा है आप ट्रोलर्स का क्या रिस्पॉन्ड करते हो, हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट, व्हाट डू यू से, और हर इंटरव्यू में आज तक मैंने बोला मैं ट्रोल्स पढ़ती ही नहीं, मैं अपने पोस्ट के नीचे कमेंट्स पढ़ती ही नहीं। सो पर्सन जो ऑलरेडी अनअफेक्टेड था, ऑलरेडी अपनी ही जिंदगी से अपने ही मतलब शी वॉज लिविंग हु शी वॉज, गॉट अफेक्टेड बाई समथिंग लाइक दिस, जहाँ पहली बार द ट्रोल्स वर रियली इन माई फेस, वर रियली इन माई वर्ल्ड, वर रियली इन एंड अराउंड मी, आई जस्ट हैड टू से इट। आई से आई मीन अगर आप ऐसी एक पिक्चर करो तो आपको बोलना ही पड़ेगा, वरना कोई सुनेगा नहीं। विच इज़ वाई व्हेन द टीम सेड कि आवाज़ उठाऊंगी तो उठाऊंगी, मतलब इट वॉज नो अदर वे फॉर डूइंग इट और नोइंग इट। इट्स समथिंग आई फेल्ट कि मैं इग्नोर कर सकती थी, मैं उन ट्रोल्स को डिलीट कर सकती थी, मैं बट ऐसे नहीं यार, एक जवाब तो बनता है तो जवाब दे दिया। इसके बाद जब नुसरत से पूछा गया कि जब पहली बार आपको ये किरदार दिया गया तो आपका रिएक्शन क्या था, तो उन्होंने कुछ यू रिएक्ट किया। I was blown away. I said mind blowing करते हैं, because I know his world. I know where he comes from. I know what he's trying to say. मैंने जब आप एक इंसान के साथ काम करो ना, और हमने ड्रीम गर्ल के लिए पता नहीं कितने क्या-क्या कॉन्वर्सेशंस किए हैं, तो जब आपको एक इंसान का विजन समझ में आता है ना, तो फिर वो बात जो है ना कि कॉन्डम बेचने वाली लड़की, वो आपको खटकती नहीं है, फिर लगती बहुत मजा आएगा, ये कुछ करेंगे हम तगड़ा, वो विश्वास पहले से ही सेट हो जाता है। यह फिल्म 10 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नुसरत भरूचा के फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।